क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एनसीईआरटी 60% स्टूडेंट से तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप सच में नीट का स्टूडेंट है तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि यह एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 इच एट STP द मोल्स ऑफ HCl ग्राम फॉर्मेड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो ये तो आपको 1 मोल ऑफ HCl के बराबर में होगा। इसका डिटेल सोल्यूशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे ज़रूर जाइए, जिससे आपको डिटेल सोल्यूशन मिल पाएगा और अच्छे तरीके से आप इस सोल्यूशन को क्या समझ सकते हैं। तो चलिए हम समझाते हैं। जैसा कि अगर H2 प्लस Cl2 होता है तो 2HCl होता है, इसी तरह से अगर इनिशियल 22.4 लीटर है और Cl2 11.2 लीटर तो 2 मोल बनता है, यानी 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP जो ऑक्यूपाइड बाय Cl2 1 मोल होगा, जो कि 11.2 लीटर वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय Cl2 जो इक्वल टू 1 × 11.2 बाय 22.4 लीटर यानी कि 0.5 मोल हो जाएगा। सो 22.4 लीटर वॉल्यूम जो STP में ऑक्यूपाइड हाइड्रोजन के लिए 1 मोल होगा। इस तरह से H2 प्लस Cl2 2HCl यानी कि 1, तो ये 0.5। इस तरीके से यहाँ पे जो हमें दिखेगा वो क्या दिख जाएगा कि 1 मोल Cl2 के लिए 2 मोल HCl चाहिए और 0.5 मोल Cl2 के लिए 2 × 0.4 मोल ऑफ HCl जो 1 मोल ऑफ HCl होगा, यानी 1 मोल ऑफ HCl इज प्रोड्यूस बाय 0.5 मोल ऑफ Cl2 होगा, जो कि इतना होगा जो एज पर इक्वेशन देखने को मिल जाता है, जो कि NCERT की पेज नंबर 18 में पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।